मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय के अब्दुल कलाम सभागार में सड़क निर्माण संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य होगा कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक सड़क पहुंचाना। उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक सड़क कनेक्टिविटी ना पहुँच जाए, तब तक वह ना खुद चैन से बैठेंगे और ना अधिकारियों को चैन से बैठने देंगे। बैठक में PWD, PMGSY और BRO के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बिना तैयारी के आए अधिकारियों को भी फटकार लगाई। देखिए, चार धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है, साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए, साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए।